फर्स्ट थिंग टू डू इज चेन सेटिंग एंड देन क्लीनिंग ट्यूबिंग। चेन का पूरा काम कर लूँगा तो दिन भर में दिक्कत आने का चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो लेट्स गो, सबसे पहले चेन सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा बीज हो गया है। A few moments later. Bike is now ready for today's adventure. अभी बस अपने को ready होना है, gear up होके आना है, riding pant पहना है लेकिन नीचे slipper पहना है, shoes वगैरह पहन के आना है, बाकी सब सामान नीचे लाना है। अभी प्रियंका is getting ready up there. तो और 15-20 मिनट जाएंगे। The time right now is around 8 o'clock on the morning of 18th October, Sunday. Well, hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, I'm hell excited to go home and start editing this series क्योंकि 15-16 vlogs edit करने हैं, बहुत सारा काम है। अभी और 2 दिन लगेंगे यहाँ से घर पहुँचने के लिए, एटलीस्ट 2 दिन प्लान है आज का। नहीं, आज का प्लान बताना नहीं है ना, आज का प्लान एडवेंचर वाला है, तो आज का प्लान थोड़ा सीक्रेट ही रखते हैं। आज कहाँ तक जाने वाले हैं, कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, ये सब आपको पूरा ब्लॉग अगर देखेंगे, पूरा दिन अगर हम हमारे साथ रहेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। अभी तुरंत मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ सिवाय इस चीज़ के, सम एडवेंचर इज़ कमिंग एंड द बाइक इज़ नाउ रेडी फॉर दैट एडवेंचर। तो फट से ऊपर चलता हूँ, रेडी होता हूँ, निकलने के बाद आपको धीरे धीरे हिंट्स मिलते जाएंगे, पूरे दिन में क्या होने वाला है आपको पता चलता जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय दिस व्लॉग। ओके, सो जैसा मैंने कहा था वी आर ऑल सेट, थोड़ा सा लेट आज भी हुए है, इट्स 9:30 एग्जैक्टली, गुड टाइम टू स्टार्ट। चलो ना, GPS नेविगेशन लग चुका है, आज की राइड हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, लॉगिंग करेंगे जियो ट्रैकर ऐप में। सो एग्जैक्टली 9:30 I'll start the ride। किधर गया रिकॉर्ड का बटन? हाँ, ये वाला 9:30 को राइड स्टार्ट करेंगे। हो ना रे, 9:30 हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ। यस, 9:30 रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, 9:30 एग्जैक्टली, संडे अक्टूबर 18th। अपना अभी ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो है 85,118। अभी बाय द वे, समझदारों को इशारा काफ़ी है, आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अगर नहीं समझा है तो पूरा व्लॉग देखो, समझ जाएंगे आप, और अगर समझा है फिर भी पूरा व्लॉग देखो क्योंकि एंजॉय करेंगे आप। चलो, आज का दिन गणपति बप्पा मोरिया बोल के ही शुरू करेंगे। सो द सिटी ऑफ ताज, आगरा को टाटा बाय बाय करके We are heading towards home. बोलो कहाँ तक पहुँचना है आज? आज का व्लॉग सिनेमैटिक नहीं हो पाएगा, इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा क्योंकि पूरे दिन में हम जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे, जिस तरह से इस पूरे दिन को बिल्ड करेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। डिस्टेंस कवर करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली ऑन बाइक विथ पिलियन, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो, ये आपको इस व्लॉग में जरूर पता चलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, आपको इस व्लॉग में बहुत कुछ मिलेगा। अब ये क्या है, यहाँ क्यों जाम लग गया यार? ट्रैफिक जाम नहीं चाहिए आज। जब भी ऐसा लगता है ना कि जो इनिशियल डिले हुआ, डिले मतलब निकलने का डिले नहीं बोल रहा हूँ मैं, आगरा में से बाहर निकलने का ट्रैफिक वाला डिले, वो रिकवर हो पाएगा ऐसा जैसे लगता है ना, तभी कोई गांव आ जाता है और फिर से स्पीड डाउन हो जाता है। एनीवेज, दिस वाज नॉट अ बिग टाउन, तो निकल गए फट से। बस अभी ये धौलपुर और मुरैना दो जगह पे ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए। वी रीच्ड हियर एट ग्वालियर बाईपास नाउ, 136 किलोमीटर राइड हो चुका है विद इन 1 hour and 53 minutes। जस्ट अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने चेक किया था, 136 किलोमीटर्स वी हैव डन। और द रीज़न आई स्टॉप हियर, एक तो पानी पीना था, रिलैक्सेशन, बॉडी रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर डूइंग अ लॉन्ग राइड, और अगर दिन में आपको ज़्यादा किलोमीटर्स करने हैं तो बॉडी रिलैक्सेशन हर स्टॉप पे करना बहुत ज़रूरी है। योर नेक, शोल्डर, आर्म्स, थाइज एंड नीज, ये 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं ना जिनको आपको पूरे दिन रिलैक्स रखना ही पड़ेगा। एनीवेज, अभी पानी पी के तुरंत निकलता हूँ बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास रुकने के लिए। क्यों वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट का ही ब्रेक है गिन के। थोड़ा लंबा हो गया ये ब्रेक, 15 मिनट हो गए क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे टोल प्लाजा के ऑफिस में
नवरात्रि की पूजा हो रही थी तो उन्होंने प्रसाद के लिए इनवाइट किया। पूजा और प्रसाद को ना तो बोल ही नहीं सकते, और स्पेशली आज के दिन मिशन पे निकले हैं तो प्रसाद और ब्लेसिंग ज़रूरी है। तो ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा गए वो कवर अप कर लेंगे आगे, लेकिन मस्त अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलो 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। ऐसा रोड कैसे चलेगा रे बाबा, कैसे डिस्टेंस कवर होगा, कैसन बा ए बाबा। अब तक के स्ट्रेच में सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा है शिवपुरी बाईपास। एक्चुअली इससे पहले जितनी भी बार आया हूँ ना शिवपुरी बाईपास पे रास्ता एकदम खराब होता है। इवन दिस टाइम गूगल वॉज टेलिंग मी टू गो थ्रू द सिटी, लेकिन एक लोकल बंदे ने बोला कि रास्ता बन गया है आप चले जाओ, बस ये एक ब्रिज का काम चल रहा है रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा, बाकी पूरा रोड बन गया है। एंड इट टर्न्स आउट यस ऑलमोस्ट बन गया है पूरा, बहुत टाइम बच गया इधर बहुत। दिस इज आवर सेकंड स्टॉप ऑफ द डे, अभी एक्जैक्टली 280 किलोमीटर्स राइड हुआ है विद इन 4 hours and 2 minutes जो अपना GPS लॉगर बता रहा है। 280 किलोमीटर 4 hours, मतलब अपना जो राइड है वो 33% कंप्लीट हो चुका है, अभी 66% और बाकी है। अभी और थोड़ा सा हिंट है ये क्या कर रहे हैं हम इस बारे में, तो सोचो क्या हो रहा है, लेट्स सी शाम तक पता चल ही जाएगा। मैडम हाउ आर यू फीलिंग? अभी तक तो ठीक हूँ। अभी तो ठीक है, पार्ले जी वाला ब्रेक लिया। यस, दिस स्मॉल ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ले जी मतलब कोई भी बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, स्पेशली ग्लूकोज रिच बिस्किट और चाय, ये छोटे 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 ब्रेक अगर लेते जाएंगे ना तो बड़े ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इफ़ यू ट्राई टू राइड नॉन स्टॉप तो फिर आप जहाँ रुकोगे ना वहाँ बहुत बड़ा ब्रेक हो जाएगा। उससे अच्छा होता है कि छोटे छोटे ब्रेक लेते चलो और कम टाइम के ब्रेक लो। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ ग्लूकोज रिच, तो पार्ले जी इज़ द बेस्ट एनी टाइम। हाँ, पार्ले जी स्पॉन्सर करना रे राइड। चालेल चालेल, 5-5 रुपयाची पाकिटं त्या घेऊन फिरू आपण तीच। एनीवेज चलो फटाफट से चाय पी लेते, निकलना भी है, ज्यादा टाइम नहीं है रुकने का अपने पास। चलो चलो चलो, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास रुकने का, 10 मिनट का ब्रेक हो गया। चाय एंड पार्ले जी एंड पानी एंड बैक ऑन द रोड। अभी और कम से कम लेट्स से 80 या 100 किलोमीटर गुना क्रॉस करके रुकेंगे अभी गुना। वो देखो वहां जाने के बाद दिखाता हूँ गुना कितने किलोमीटर है। गुना इज 84 किलोमीटर्स। चलो गुना बाईपास पे अभी छोटा सा एक और ब्रेक लिया था, पानी का बॉटल लिया यहाँ से, और दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये भी कर लिया। ईवा हाय बोल हाय। दिन में 3-4 वीडियो कॉल तो होते ही है ईवा के साथ। ईवा चल चल, बस अभी आज का दिन है, कल तो घर पहुंचना है। उन्नीस किलोमीटर है ब्यावरा, अभी पेट्रोल भी भरवाना है अपने को। एक टैंक खा गई ऑलरेडी, डेढ़ दो टैंक हो गए ना। चलो ब्यावरा में पेट्रोल पंप पे रुकते हैं अभी। मोर देन 50% ऑफ द राइड इज डन। अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये राइड मतलब ऐसे परसेंटेज क्यों गिन रहा हूँ मैं। अपने को आज 12 घंटे राइड करना है, मतलब सुबह 9:30 बजे राइड स्टार्ट किया है, रात को 9:30 बजे तक राइड करना है। 12 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं, 12 घंटे मिनिमम राइड करना ही है। और जो ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि टाइम कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है, ये क्यों कह रहा ना, ये भी बताना है आपको, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, अगले स्टॉप में बताऊँगा। क्योंकि 10 मिनट का स्टॉप लिया था यहाँ पे, उसमें से 5 मिनट तो पेट्रोल भरने में निकल गए, बाकी 5 मिनट जो बचे थे अभी ये सब ना मैं कैमरा और ट्राइपॉड वगैरह सेट करके आपसे बातें करता हूँ ना उतने टाइम में। प्रियंका पानी वगैरह पी लेती है, एक्सरसाइज कर लेती है और फिर मुझे बोलती है कि यार 3 बजे से लेट हो रहा है देखो। एनीवेज अभी पानी एक्सरसाइज सब फटाफट कर लेता हूँ, निकलता हूँ। अगले स्टॉप पे जब रुकेंगे ना तो आपको सारा एकदम जो भी है ना इस राइड का फंडा
ये पूरा आपको एकदम ऐसा खुल के विस्तृत करके बताता हूँ अगले अगले स्टॉप पे, मतलब और 90 या 100 किलोमीटर करके रुकेंगे ना, वहाँ पे एकदम खुल के बातें करेंगे। वहाँ पे भी 5 मिनट के लिए रुकेंगे, लेकिन ये पहले वाला फिर से दोहराऊंगा नहीं, मैं इसके आगे की बात बताऊंगा आपको। चलो, गाड़ी का पेट भर गया फिर से अंबानी भाई की कृपा से। अभी अगला स्टॉप अपना पेट भरने के लिए, लेकिन तुरंत नहीं, कम से कम 1 घंटा 70-80 किलोमीटर और खींचेंगे, उसके बाद फिर पेट पूजा के लिए रुकेंगे। पेट पूजा मतलब क्विक पेट पूजा ही होगी, क्विक बाइट जिसको बोलते हैं, या तो चाय बिस्किट या ऐसा ही कुछ जो फटक से मिल जाए, फटक से खा के फटक से निकल जाए। क्योंकि अभी आपको इतना तो पता है चल गया है कि 12 घंटे में कुछ तो टाइम लिमिट है अपने पास, 12 घंटे राइड करना है, 12 घंटे में कुछ तो कवर करना है डिस्टेंस स्पेसिफाइड। अगले स्टॉप पे पेट पूजा करते करते वो भी सब आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये सुबह से। शिट मैन, बारिश, सारा प्लान चौपट हो जाएगा यार अभी बारिश लग गई तो। यार बारिश नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। अनदर 90 किलोमीटर हमने अभी अब स्टॉप किया शाहजहांपुर बाईपास पे, पोहे मिल गए खाने को, आज का लंच यही है। बाय द वे, एज आई प्रोमिस्ड, ये जो एक्चुअली हम आज राइड कर रहे हैं इज कॉल्ड एज LDR, लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स करके एक एसोसिएशन है विच इज़ बेस्ड इन UK। तो वो लोग कुछ राइड्स सर्टिफाई करते हैं, देर आर 3 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, वन इज़ फॉर 12 आवर्स, वन इज़ फॉर 24 आवर्स एंड वन इज़ फॉर 36 आवर्स। सो उसमें से 12 आवर्स का जो सर्टिफिकेशन है विच इज़ फॉर राइडिंग 805 किलोमीटर्स और यू कैन से 500 माइल्स इन 12 आवर्स, वो हम आज अटेम्प्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने उसका जो दूसरा 24 आवर्स का सर्टिफिकेशन है फॉर 1000 माइल्स वो कंप्लीट किया है ऑलरेडी, इट इज़ हैंगिंग इन माई ऑफिस, हमारे काउंटिंग किलोमीटर्स का जो डेस्क है वहाँ पर आपने देखा होगा ऑलरेडी। बट नाउ कल बातों बात में ऐसे ही बात निकली कि प्रियंका वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस कि वो एंड्योरेंस राइड कैसे किया जाता है, हाउ डू यू प्लान इट, हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज व्हेन यू वांट टू डू डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम। तो सोचा अच्छी शुभकाम के लिए देर कैसी, कर लेते हैं, आज बात हुई है तो कल ही कर लेंगे। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई इस प्लान की। तो सुबह आज निकले आगरा से 12 घंटे की राइड करने के लिए, अभी तक ऑलमोस्ट 7.5 घंटे हो चुके हैं, वी हैव डन 545 किलोमीटर्स। अभी 4.5 घंटे में 300 किलोमीटर जाना है, 250 किलोमीटर जाना है। लुक्स मैनेजेबल, लेकिन इंदौर में ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, अभी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि इट्स 5:30 ऑलरेडी, तो अंधेरा होने के बाद उतना डिस्टेंस कवर नहीं होगा। नाउ दैट आई टोल्ड यू, अभी ये वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-65% ये राइड आपने हमारे साथ किया है, तो बाकी का भी करिए, ये LDR को साथ में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल पोहे ख़त्म करता हूँ क्योंकि ब्रेक तो 10 मिनट का ही है, पोहे खाओ या बिरयानी खाओ, 10 मिनट में खाओ, उससे ज़्यादा नहीं रुको। सो नाउ दैट यू नो व्हाट वी आर अप टू, क्या लगता है आपको, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सी एज ऑफ नाउ हमें तो पता नहीं है कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि एकदम कट टू कट चल रहा है ये 12 घंटे में 805 करने के लिए 68 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन करना पड़ता है। एंड आफ्टर दिस ब्रेक, अभी जब बाइक स्टार्ट किया तो अपना एवरेज स्पीड दिखा रहा है 67 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर से पीछे है। तो 60% 65% राइड पे हमें पता नहीं है कंप्लीट होगा नहीं होगा, आप बताओ क्या लगता है आपको एंड तक क्या होगा, गेस भी करो और देखो भी पूरा वीडियो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। ये आया देवास वाला जंक्शन, एज ऑफ नाउ 600 किलोमीटर क्रॉस हो गया है, 200 किलोमीटर अभी और जाना है, 3 घंटे है अपने पास 200 किलोमीटर करने के लिए, हो सकता है, लेट्स सी। चलो रुकते हैं इस टूल प्लाजा पे, काम कर लेते हैं क्योंकि अभी ये तकलीफ देने लग गया। सोचा था डायरेक्टली इंदौर जाके रुकेंगे, लेकिन इसके लिए रुकना पड़ा। दाखो जरा, दाखो दिवसभरामध्ये किती जणांनी आत्महत्या केली इथे, कम से कम 100-200 किडोने
खुदकुशी की है सुबह से। अभी सबका एक साथ अंतिम संस्कार। जैसे जैसे सामने से लाइट आने लगी ना, तकलीफ होने लगी उसकी वजह से, पूरा लाइट डिस्पर्स हो रहा है। बाय द वे 613 किलोमीटर्स क्या लग रहा है अभी? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो जाएगा। वैसे रात को हर घंटे 70 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट्स सी, जो बेस्ट हो पाएगा करेंगे। अभी तो लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि रोड अभी तक बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अभी पता नहीं आगे कैसा मिलेगा रोड। चलो दिस इज सॉर्टेड, हेलमेट हो गया क्लीन। अभी सोचा था इंदौर बाईपास पे रुकूंगा, लेकिन इंदौर बाईपास पे अभी नहीं रुकेंगे, डायरेक्टली कितनी 75 इंची जाओगे का नॉन स्टॉप? 80 613 है ना, अभी 700 कंप्लीट करके मिलेंगे। पिछले आधे घंटे में ही आंखें दुखने लग गई थी, इतना वो लाइट डिस्पर्शन आ रहा था पूरा आंखों में, एक नंबर। चलो बैक ऑन रोल, 200 किलोमीटर 3 घंटे, भागो। ब्रिज के नीचे से जाएंगे इंदौर सिटी, लेकिन अपने को जाना है सीधा। सो इंदौर में स्टे करने का प्लान जो कभी था ही नहीं, लेकिन एक बैकअप रखा था कि अगर 650 किलोमीटर में प्रियंका एग्जॉस्ट हो जाती है तो इंदौर में स्टे करेंगे, लेकिन अभी तक शी इज विलिंग टू गो अहेड। कम ट्रैफिक रहा तो स्पीड मेंटेन करने में टेंशन नहीं आएगा, वैसे भी ज्यादा भगाने की तो जरूरत है नहीं अभी अपने को, बिकॉज वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। बफर ज्यादा नहीं है अभी अपने हाथ में, लेकिन लैग भी नहीं है। एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट 9.5 आवर्स लैग ना होना भी बहुत बड़ी बात है, वी आर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड स्पीड। एग्जैक्टली 10 घंटे कंप्लीट हुए अपने राइड को, तो उसी खुशी में छोटा सा ब्रेक ले लिया, देखते हैं क्या है रिकॉर्ड यार। एग्जैक्ट 68 ही है अभी, 682 किलोमीटर्स, मतलब 2 घंटे में 118 और वो 130, मतलब ऑलमोस्ट 130 जाना ही है 2 घंटे में। चलो फटाफट चाय पी लेते हैं, 5 ही मिनट रुकेंगे और निकलेंगे फट से। एग्जैक्टली 5 मिनट का ब्रेक था। हे क्यूटी, ये तो करें हमसे बरोबर, जाओ दे वेल ने। अभी अपने को जाना है 130, पेट्रोल है 3 लाइन, मतलब चलो अच्छा है 130 के एग्जैक्टली हाफ में 65-70 किलोमीटर के आसपास पेट्रोल के लिए रुकेंगे। ऑल राइट, अभी अंधेरा हो गया तो थोड़ा मैं राइड को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यार गलती कर दी, बाइक वाले लेन में घुसा नहीं था मैं। चलो अच्छा हुआ जगह मिल गई। वेल राइट नाउ इट इज 8:15 होके गया, मतलब ऑलमोस्ट 11 घंटे होने को है, 11.5 घंटे, और अभी 65, मतलब ऑलमोस्ट 735 किलोमीटर्स के आसपास हुआ है। अभी अगले 10 या मैक्सिमम 20 किलोमीटर में पेट्रोल भराने के लिए रुकने वाले हैं, तो वहीं पे बात करते हैं, वहाँ पे अच्छा उजाला भी होगा तो मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट्स भी दिखा पाऊँगा। 11 घंटे 7 मिनट और 758 किलोमीटर हो गया है, मतलब अपने को 49 किलोमीटर्स एग्जैक्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ेंगे तो भी 60 किलोमीटर जाना है 52 मिनट में। चलो 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 पटाफट 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 पटाफट, चलो आखिरी स्ट्रेच खींचना है। 50 मिनट में 50 किलोमीटर एकदम एग्जैक्ट कंप्लीट करने के लिए, आइडियली अपने को 50 मिनट में 60 किलोमीटर जाना है, सो दैट थोड़ा सा अपने हाथ में बफर रहेगा। इन द मीन टाइम आज के दिन में हम यूपी से थोड़ी देर के लिए राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, और एमपी पूरा क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंट्री करते हुए अचानक से ऐसा लगने लगा कि घर नजदीक आ गया। बैक इन महाराष्ट्र आफ्टर
16 days. We are on Sendhwa City bypass. Actually, this is where the bypass ends. तो थोड़ा साइड में रुक के अपना राइड का स्टैट्स चेक कर लेते हैं. लेट्स सी हाउ फार वी हैव गॉट. बोलो क्या लगता है आपको. हियर यू गो मैन. 11 घंटा 48 मिनट्स. 809 किलोमीटर्स वी हैव डन इट. एक नंबर नाचो. अभी रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप बिकॉज वी हैव डन इट. एग्जैक्ट सिटी बाईपास के ही पॉइंट पे कंप्लीट हुआ अपना एलडीआर का रिक्वायर्ड जो 805 किलोमीटर मतलब 809 किलोमीटर्स हुआ है. तो वी डिसाइडेड कि अभी और 100 किलोमीटर आगे धुले तक नहीं जाते हैं, तो अभी सेंधवा सिटी में ही अंदर जा रहे हैं. यहीं पे कहीं होटल ढूंढ के यहीं पे रुकेंगे. तो अभी प्रियंका ने ये चैलेंज लिया था एंड शी हैज़ कम्प्लीटेड इट. सो आई वॉन्ट टू टॉक टू हर. उसको पूछना भी है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ शी इज़ फीलिंग. बट वो सब अभी होटल ढूंढ के रूम ढूंढ के चेक इन करने के बाद बातें करते हैं. अभी डायरेक्टली मिलते हैं होटल में ही. ऑल राइट. तो अभी मैं ज़्यादा टाइम आपका लेने वाला नहीं हूँ. लेट्स गो एंड मीट द स्टार ऑफ द डे. स्टार सो द फर्स्ट रीजन दैट आई फील प्राउड अबाउट प्रियंका. इससे पहले दिन में 600 किलोमीटर करने से भी शी वॉज एक्चुअली अफ्रेड. मतलब उसको मन में ऐसे डर लगता था कि यार 600 के ऊपर है, मतलब वो पहले ही कॉन्शियस हो जाती थी नहीं 600 के अंदर रखो दिन का टारगेट. बट टुडे शी मैनेज टू डू मोर देन 800 किलोमीटर्स विद इन 12 आवर्स. मतलब अगर सुबह और जल्दी निकलते तो और भी ज़्यादा जा सकते थे. शी इज़ हसल सेइंग के अगर सुबह 7:30 बजे निकलते तो आज धूले तक चले जाते जो और 100 किलोमीटर है. सो फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस 800 किलोमीटर के ऊपर, हाउ यू फीलिंग. मुझे ये पूरे 12 घंटे के राइड में एक मिनट भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रोड पर और जो किलोमीटर्स के बोर है उस पर ही था. मतलब कब कभी एकदा संपते पूरा करना है और टाइम कितने टाइम ये बोलने की बात है. शी मस्ट बी लाइक कभी संपते यार, कभी होता है 800 किलोमीटर. अच्छी बात नहीं. Anyways, now that we have completed, अभी मैंने पूरी राइड एंजॉय की बहुत. ओके. एनीवेज सो एलडीआर अपना फिर एक बार कंप्लीट हो चुका है. इस बार आई थिंक आई वोंट बी अप्लाइंग फॉर ऑल दोज गुडीज एंड ऑल, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूर अप्लाई करूँगा बिकॉज एलडीआर का जो लिस्ट है उनके वेबसाइट पे जो डिस्प्ले होता है उसमें प्रियंका का नाम चाहिए मुझे. सो आई बी अप्लाइंग फॉर दैट. लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है, डू दे अप्रूव और नॉट, जो भी है आपको बाद में पता चलेगा. शायद इस पर नहीं, ब्लॉग में नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा. एंड बाय द वे पूरे आज के ब्लॉग में आई फील लाइक आई हैव गिवन यू इनफ इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग योर लॉन्ग एंड्योरेंस राइड्स. अगर आपको दिन भर राइड करना है तो किस तरह से, इफ़ यू हैव सीन दिस एंटायर ब्लॉग, सिर्फ पहला जो एक स्ट्रेच था वो हमने 136 किलोमीटर नॉन स्टॉप किया था. उसके बाद एक भी स्ट्रेच 80 किलोमीटर के ऊपर नहीं किया है. 75 to 80 kilometers we used to take a stop. The key point is to keep your brakes minimum. 5 से 10 मिनट के ऊपर आपका ब्रेक नहीं रहना चाहिए. That is the only thing that matters in long endurance rides. Anyways, I hope you enjoyed this ride. अभी कल सुबह यहाँ से निकलना है घर के लिए. Finally, the final run, 465 किलोमीटर का रन है यहाँ से अपने घर तक. तो अभी let's call it a good night. कल सुबह यहाँ से घर के लिए निकलेंगे. तब तक के लिए stay tuned, stay connected and stay happy. Keep counting kilometers.